स्वागत है हमारी कक्षा संस्कृत में, क्लास 7th स्टूडेंट। संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा संस्कृत विषय में पुस्तक आपकी संस्कृत वाणी के अंतर्गत एकोविंशति पाठ इज सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। सभी गुणों, कांचन माने होता है सोना, सोने, सोना की आश्रय माने आश्रय लेते हैं, सहारा लेते हैं, शेल्टर, टेक शेल्टर। तो ऑल वर्च्यूज रिलाई ऑन गोल्ड, सभी गुण जो होते हैं वह बच्चों कांचनम, कांचनम माने सोना, गोल्ड, गोल्ड को ही, गोल्ड पर ही आश्रित होते हैं। तो ये पाठ जो है आपको धन की महत्ता के बारे में आपको बताएगा कि धन आज के युग में कितना महत्वपूर्ण है, धन के बिना हम क्या नहीं कर सकते। और आज के युग में ये अर्थ युग है, अर्थ प्रधान युग कहिए, तो इसमें सब आजकल जो है अर्थ के, अर्थ से ही सब कुछ होता है, इसके बारे में इस पाठ में आपको बताया गया है। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपका इसका प्रथम भाग है इस पाठ का, तो मैं इसकी एक एक लाइन बोल रहा हूँ संस्कृत की और हिंदी इसकी व्याख्या कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुने और इसको समझें। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहली ही लाइन लिखी है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी अस्ति। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य बिना समाज के नहीं रह सकता। बच्चों जानते हो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, जब सामाजिक प्राणी है तो उसकी आवश्यकताएं भी होती हैं, और सामाजिक जीवन में अर्था अभावे न को अपि जीवनस्य विकासम करतुम शक्नोति। और सामाजिक जीवन में धन की कमी में, कमी से जो है कोई भी, को अपि माने कोई भी, न माने नहीं, जीवनस्य माने जीवन का, विकासम माने विकास, करतुम शक्नोति माने नहीं कर सकता है। क्या मतलब हुआ कि सामाजिक जीवन में अर्थ के बिना कोई भी अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता। मानवस्य संपूर्ण जीवनम धनमयम दृश्यते। मनुष्य का संपूर्ण माने पूरा जीवन, माने जीवन धनमयम दृश्यते, धनमय दिखता है, कि धन में ही दिखता है उसका पूरा जीवन, कट जाता है, धन कमाने में ही रहता है, पूरे जीवन भर वो धन ही कमाने लगता है, कमाता रहता है। धनमय दृश्यते एसाम पार्श्वे अर्था अभावा ते सामाजे निरादराह भवंती। एसाम माने होता है जिसके पास, जिसके पार्श्व माने पास में, अर्थाभाव माने धन की कमी, ते समाजे वे समाज में कैसे होते हैं, अपमान के पात्र होते हैं, निरादर आहारा, निरादर के पात्र, अपमान के पात्र, भवंती माने होते हैं, बिना धन के वो अपमानित होते हैं समाज में। समाजे तेसाम गणना निम्न श्रेणियाँ भवती, और समाज में उनकी गणना जो है वह निम्न श्रेया भवती, एक निम्न कोटि की इतने होता है, यानी एक छोटा निम्न श्रेणियाँ, निम्न श्रेणी में होता है उसकी गणना की जाती है जिसके पास धन नहीं होता। अर्थोष्मणा विरहितः विद्वान अपि, अर्थोष्म अणाविरहितः विद्वान अपि मूर्ख धनपते समक्षम उपेक्षितः तिरस्कृतश्च भवति। क्या मतलब हुआ इसका, अर्थो उष्मणा विरहति माने जो होता है धन की गर्मी से रहित, उस माने गर्मी, अर्थो माने धन, विरहिता माने रहित, उस धन की गर्मी से रहित विद्वान अपि माने भी मूर्ख धनपते, और जो मूर्ख धनवान है, समक्षम सामने, उपेक्षिता उसकी उपेक्षता, उपेक्षा होती है, तिरस्कृत और तिरस्कार होता है, यानी कि जो अर्थ की गर्मी से के बिना जो है विद्वान अगर है भी, फिर भी उसका जो है तिरस्कार होगा, किसके सामने, जो मूर्ख धनी है उसके सामने उसका तिरस्कार भी होता है और उसकी उपेक्षा भी लोग कर देते हैं, जैसा कि आप देखते ही हो समाज में आजकल,
तो बच्चों उक्तंच स एव गुणी या धनवान अस्ति, कहा गया है वही सा माने वह एव माने ही गुणी है, यह माने जो धनवान अस्ति माने है, वही उसी को गुणी माना गया जो धनवान है। ये यहाँ पर गुण की परिभाषा इन्होंने दी। अब इसके आगे देखिए अगला जो है आपका अगला मैं ये देखें आप सेकंड वाला अगला पैराग्राफ, अस्मिन् संसारे धनम अपरिहार्यम अस्ति। अस्मिन् माने इस इस संसार में धन अनिवार्य है, अपरिहार्य माने अनिवार्य अनिवार्य है। धनेन बिना किमपि कार्यम भवितुम न अर्हति। धनेन माने धन से बिना, धन के द्वारा बिना, बिना धन के किमपि माने कोई भी कार्य माने कार्य, भवितुम न अर्हति कोई कार्य नहीं होता है, कोई कार्य नहीं हो पाता धन के बिना। जैसे कि आगे देखिए बताया है अगले पैराग्राफ में, धनस विद्यार्थी जीवने, विद्यार्थी जीवने विद्या अध्ययनाय धनस्य महती आवश्यकता वर्तते वर्तते। विद्यार्थी जीवन में विद्या अध्ययन के लिए धन की महती माने बहुत बहुत अधिक आवश्यकता वर्तते होती है। विद्यार्थी जीवन में विद्या अध्ययन के लिए धन की बड़ी आवश्यकता है। और गृहस्थाश्रम में उसमें क्या होता है, गृहस्थ आश्रम में कुटुंबस्य पालन पोषणार्थम, परिवार कुटुंब माने परिवार, कुटुंबस्य माने परिवार की पालन पोषण के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए और कहे के लिए गृहस्य निर्माणाय घर के निर्माण करने के लिए और वैवाहिको उत्सव आदि संपादनार्थम और विवाह आदि उत्सव विवाह उत्सव आदि को कंप्लीट करने के लिए संपादन करने के लिए, बालकानाम शिक्षा प्रबंधाय और बच्चों की शिक्षा के प्रबंध के लिए और चिकित्सा दिव्य अवस्थाय और चिकित्सा आदि के लिए, भाई ज़रूरत होती है चिकित्सा की भी गृहस्थाश्रम में, शिक्षा की ज़रूरत होती है बच्चों को, घर की ज़रूरत होती है पालन पोषण करने के लिए गृहस्थाश्रम में परिवार की होती है आवश्यकता होती है धन की, आपत्त समस्यानि निवारण अर्थम और एक अचानक जो आपदाएं आ जाती हैं उनके निवारण के लिए च धनम और उनके निवारण के लिए धन की आवश्यकता है, आवश्यकम अस्ति। धनम बिना भौतिक समस्या समाधानम न एव संभव अस्ति। और धन के बिना भौतिक समस्याएं साधन गाड़ी घोड़ा और भी जो समस्याएं भौतिक जो भौतिक साधन होते हैं उनका समाधान भी नहीं संभव है, उनका समाधान भी धन के बिना नहीं संभव होता है। मनुष्य अब आगे देखिए, किम बहुना संन्यासाश्रमे अपि, किम बहुना संन्यास आश्रम में अपि संन्यासी स्वजीवनस्य आवश्यकता पूर्तय धनम ही ते। आप चाहे कोई संन्यासी हो कि बहुना बहुना संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम में भी बहुत क्यों ना वो संन्यास आश्रम में भी संन्यासी अपने जीवन की आवश्यकता पूरी करने के लिए धन में ही थे धन ही चाहते हैं, बिना धन के उनको जो है कोई भी उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। तो ये धन की महत्व के बारे में इस यहाँ पर बताया गया क्या धन का महत्व, संन्यासी को भी अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। व्यक्ति कुटुम्ब समाज राष्ट्र विकसाय, व्यक्ति कुटुंब परिवार समाज और राष्ट्र के विकास के लिए धनस्य धन की आवश्यकता को ना जानाति, धन की आवश्यकता कौन नहीं जानता है। इन सभी के लिए धन की आवश्यकता होती है, सभी को आवश्यकता पड़ती है, व्यक्ति हो कुटुंब हो समाज हो राष्ट्र तभी विकास हो पाता है। मनुष्य से सर्वाह इच्छा, मनुष्य की सभी इच्छाएं धना अभावात धन की कमी से सचक विषणावत विषाणवत अजागल स्तनवत चा असंभवा निष्फला निरर्थकाश्च भवन्ति। मनुष्य की सभी इच्छाएं जो होती हैं वह कैसी होती हैं, सजा मनुष्य की सभी इच्छाएं धना अभावात धन के अभाव से धन की कमी से किसके समान है, समान है सचक विषाणवत, सचक विषाणवत माने खरगोश, खरगोश के समान है अजागल स्तनवत,
और च असंभव और अजागल स्तव, अस्त माने बकरी, बकरी के स्तन की भात, बकरी के गले के स्तन के समान, बकरी के गले में स्तन होते हैं उसके समान असंभव निष्फला निरअर्थाकाश्च भवन्ति, निष्फल और बिना अर्थ के होती हैं। जो धन जिसके पास नहीं होता है, सारी इच्छाएं जो होती हैं धन से जो होती हैं वो खरगोश के समान होती है, सशक विषाणवत, उसकी सींग के समान, खरगोश के सींग के समान होती हैं। जैसे खरगोश के सींग नहीं होती है तो ये कल्पना करो क्या उसको सींग होगी, सींग बिना उसके होता है खरगोश बिना सींग के, तो उसके सींग के समान है। अजागल स्तनवत बकरी के गले के स्तन के सामने समान बताया गया, असंभव है, निष्फल है और निरर्थक है, तो ये होती हैं। अतः अजर अमरावत प्राज्ञः विद्याम अर्थम च चिंतयेत, इसलिए इसलिए अजर अमरवत, अजर अमरवत माने वृद्ध ना होने वाला अमर अजर कहलाता है, और अमर की भांति, अमरवत माने अमर की बात, जो अमर की भांति हो, जो हो जिसकी जो कभी जिसकी मृत्यु ना हो उसको कहते हैं अमरवत, और अजर अजर कहते हैं जो बूढ़ा ना हो, तो जो बूढ़ा और वृद्ध ना होने वाला अमर की भांति प्राज्ञ विद्यामर्थम च चिंतयेति, जो विद्या के लिए प्राज्ञ माने बुद्धिमान जो लोग होते हैं विद्या के लिए क्या करते हैं चिंतयेति, चिंता करते हैं, इसके लिए उनको धन की आवश्यकता, चाहे अमर की भांति चाहे वृद्ध ना होने वाला, है ना, अमर होने के लिए जिस प्रकार से चिंता करते हैं तो धन की भी आवश्यकता होती है, चिंतयेति चिंतित करनी चाहिए, विद्या अर्थम च चिंतयेति, अर्थ प्रधानो अयम युगो वर्तते, ये धन ये युग जो चल रहा है ये अर्थ प्रधान युग है। कुल कुशल शीत विरहितो अपि, कुल कुशल कुल माने संपूर्ण रूप से कुशल शील चरित्रवान, विरहितो रहित होते हुए भी धनाढ्य, अगर कोई धनाढ्य है धनी मनुष्य जो है अगर वो कुशल भी नहीं है, उसके पास चरित्र भी नहीं है, ये सब इससे रहित है वो, है रहित माने बिना उसके है, अगर वो धनाढ्य रहा तो वह क्या होता है सम्मान प्रतिष्ठा धर्म प्राप्त होती, उसको सम्मान और प्रतिष्ठा उसको प्राप्त होती है, अगर उसके पास धन है धनाढ्य आदमी है तो उसको मिलेगी, चाहे वो कुशल हो या ना हो, वो चाहे गुणवान हो अथवा ना हो, ना होते हुए भी धनाढ्य मनुष्य की समाज में सम्मान उसको पाता है, सम्मान प्रतिष्ठा धर्म प्राप्त होती। समाजे इदम विलोक्यते, समाज में यह देखा जाता है, यत माने कि यस्य जिसके समीपे पास में धनम विद्यते धन मौजूद होता है, स एव कुलीनः, वही कुलीन है, वही पंडित है, वही श्रुतिमान है, वही योग्य है और वही दर्शनीय होता है। समाज में ऐसा है जिसके पास धन होता है वही सब कुछ लोग मान लेते हैं उसको, वही कुलीन मान लेते हैं उसको, उसी को विद्वान मान लेते हैं और उसी को योग्य मान लेते हैं, उसी को दर्शनीय मान लेते हैं, और इसके विपरीत क्या है, परंतु वित्त विहीन शीलवान गुणवान विद्वान चा अपि पुरुषा शोभाम न प्राप्नोति, परंतु वित्त विहीन माने धन से हीन जो पुरुष शीलवान हो चाहे चाहे गुणवान हो और चाहे विद्वान ही वो पुरुष ना हो, क्यों ना हो, शोभा नहीं पाते, शोभा नहीं प्राप्त करते, उनको कोई भी सम्मान नहीं देता, शोभित नहीं होते। तो ये आपका इसकी महत्ता बताई जा रही है धन की। सर्वे जनाः तम तिरस्कार दृष्ट्या पश्यन्ति, सर्वे जनाः माने सभी लोग तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं उस व्यक्ति को जिसके पास धन नहीं है। गुणनादरम को अपिना करोति, गुणों का आदर कोई भी गुणनाम गुणों गुणी व्यक्ति गुणाना गुणानाम गुणानाम माने गुण जो गुणों जिसके पास होते हैं उसकी कोई भी को अपिना करोति कोई आदर नहीं करता है। गुणानाम आदरम को अपि कोई भी न माने नहीं करोति माने करता है, तस्य माने उसकी। तो नास्ति केवलम अस्मन्नेव, नास्ति नहीं है केवलम माने केवल अस्मन्नेव युगे, इस युग में ही नहीं, सतयुग द्वापर त्रेता आदि युगेष्वपि आदि युगों में भी कांचनस्य कांचन की सोने की महिमा वर्णिता विद्भवी, विद्वानों ने वर्णित
की है, चाहे जो भी युग हो। जैसे आप लोग जानते हैं बच्चों, युग चार होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हम लोग कलयुग में इसमें हैं। तो ये चारों युग, तीनों जो युग इसके पहले बीत गए, उनमें भी सभी विद्वानों ने, सभी लोगों ने इस धन की, कांचन की, सोने की, गोल्ड की महिमा का वर्णन किया है। तो ये आपका यहाँ तक हुआ। अब देखिए आगे वाले, आगे जो आपके है इसमें, धनम बिना राष्ट्र विकास संकल्पना, धन के बिना राष्ट्र के विकास की संकल्पना, उसकी कोई कल्पना कैसी है कल्पना, आकाशम कुसुमम योषा संभव भवति, आकाश में फूलों के समान, जी आकाश में फूल खिलाते हैं के समान, आकाश के फूलों के समान असंभव होता है। राष्ट्र की विकास की कल्पना करना धन के बिना, राजपथ, रेल पथ, रेल यान, वायु यान आदि निर्माणम, राजपथ रेल, रेल का निर्माण, रेल यान का निर्माण, वायुयान का निर्माण आदि, इनका सबका निर्माण जो है धनाभावे न भवति, धन की कमी में नहीं होता है, धन की कमी से नहीं होता है, ये चीज़ें नहीं बन सकती। तो विद्युत उपात्रनाय और विद्युत जो है उत्पादन, विद्युत का, बिजली का, सिंचन प्रबंधनाय, सिंचाई का प्रबंध, कृषि यंत्र निर्माण अर्थम, कृषि के यंत्रों का निर्माण, विद्यालय चिकित्सालय निर्माण अर्थम, विद्यालय चिकित्सा के निर्माण के लिए, राज्य संचालन, राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्र के चलाने के लिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए, ग्रामीण कृषक विपन्न जीवनों उत्कर्षाय, और ग्रामीण माने देहातों के किसानों के विपन्न जीवन के को उत्कर्षाय उठाने के लिए, उद्योग संचालन, कोई उद्योग अगर करे उसका संचालन करने के लिए धनस्य महती आवश्यकता वर्तते, धन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो ये बच्चों इसका महत्व समझाया गया धन का। अर्थो ही सर्व कार्यस्य प्रधानतम साधनम, धन ही, अर्थ माने धन, धन ही सभी कार्यों का प्रधान साधन है, बिना धन के कुछ कोई साधन नहीं हो सकता, प्रधानतम साधन है, सबसे बड़ा साधन है धन, ए धन, धन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। लास्ट लाइन देखिए बच्चों, परिवार समाज राष्ट्रेषु, परिवार समाज राष्ट्र में अर्थस्य वर्चस्व सर्वोपरि दृश्यते, अर्थ का, धन का वर्चस्व सभी जगह दिखाई पड़ता है। धनस्य महिमा सर्वत्र गीयते निगदयते च, और धन की महिमा सभी गीयते माने गानों में गाई जाती है, सभी धन की ही महिमा को गाते हैं। और दारिद्र्यम लोके महादुखम, अस्मिन् श्लोके कवि धनी नरस्य पीड़ां वर्णयति, दारिद्र्यम लोके, दारिद्र्यम लोक के माने दरिद्र लोग संसार में दुखी होता है, महादुखी होता है, दुखम अस्ति, वो दरिद्री जो व्यक्ति होता है, धन धन जिसके पास नहीं होता, वो संसार में बड़ा ही दुख होता है, दुख है, दुखी होता है। अस्मिन् श्लोक के अगले वाले श्लोक में कवि ने धनहीन नरस्य पीड़ां वर्णयति, धनहीन मनुष्य की पीड़ा का वर्णन करता है, क्या वर्णन करता है, वरम वनम व्याघ्र गजेन्द्र सेवितम, वरम पक्कु फलांबु भक्षणम, वरम वनम, वन में, वन को व्याघ्र गजेन्द्र सेवितम जो है वो सेवितम माने सेवित करते हैं, हाथी, गजेन्द्र माने हाथी, व्याघ्र माने बाघ, और वरम और वर्ण करते हैं, कहेगा पक्कु माने पके, फला अम्बु फलों का भक्षणम करते हैं, वन में रहने वाले जो सिंह और हाथी जो हैं वो भी पके पके फलों का भक्षण करते हैं। और त्रणानि सैया परिधान बलकनम न मंदु मध्य धनहीन जीवनम, त्रणानि सैया फूस पर, फूसों की सैया, फूसों का बिस्तर, फूस आदि का बिस्तर जो होता है, और जो है फूस आदि का भी बिस्तर, परिधान बलकनम न मंदु मध्य, और परिधान माने कपड़ा, कपड़ा जो है वृक्ष की छाल, वृक्ष की छाल भी हो, जंगली जानवर जो होते हैं वो पहनते हैं, न बंधु मध्य धनहीन जीवनम, उनके उनके लोगों के बीच में भी धनहीन जीवन है, जीवनम ठीक नहीं हो तो वहाँ भी धन की आवश्यकता होती है। तो निर्धन परिवारे दरिद्रताया तांडव नित्यम हृदय विदारकम अस्ति, गरीब परिवार में दरिद्रता के लिए तांडव नित्यम हृदय विदारक अमस्ति, तांडव का नृत्य, तांडव नृत्य होता है, नृत्य करते नहीं बिना वो पैसे के जो होते हैं बेचारे बड़े दुखी होते हैं। तांडव नृत्यम हृदय विदारक अमस्ति, हृदय को फाड़ने वाला, हृदय को फाड़ने वाला फाड़ देते हैं,
फाड़ने वाला होता है, तांडव नृत्य करते, तत्र रोग उपोषण ग्रस्त शिशुवा, वहाँ जहाँ धन नहीं होता निर्धन परिवार में, वहाँ के बच्चे जो होते हैं शिशुवा माने बच्चे, रोग रोग से ग्रस्त होते हैं, कुपोषण होते हैं, भूविच्छता भूखे होते हैं, खिन्नाम ऊंचा जनाह और वो दुखी होते हैं, जनाह जीर्णशीन आवास और लोगों के जीर्णशीन आवास होते हैं, पुराने आवास होते हैं रहने के लिए, विकीर्ण जीर्ण भाजना निचाक से हृदय न विदारयंती, और जो विकीर्ण जीर्ण भाजना बिखरे पुराने बर्तन इधर उधर बर्तन पड़े होते हैं, किसका हृदय नहीं उसको देख करके फाड़ देते फाड़ते हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं उसके हृदय को फट फट जाता है बिना पैसे की। अयोमेव यही दरिद्रस्य शापो अस्ति, यही दरिद्र का गरीब का या दरिद्र का शाप है, यही साप है जो जो ऊपर की हालत बताई गई है। अतएव धर्म जना पिपासा, इसलिए धर्म को अर्जन करने की प्यास सर्वे सामान्य जना नाम सभी जन मनुष्यों में सभी लोगों को मनसी मन भी मन की महती वर्तते, मन सभी के लोगों के मन में बहुत ही बड़ा यह धन की प्यास सभी लोगों में होती है। केनचित कविना साधु उक्तंच, किसी कवि ने साधु किसी कवि ने कहा है उक्तंच, एक कहावत कही है, क्या कही है, टका धर्मा टका कर्म टकैव परमं सुखम, यस्य गेहे टका न अस्ति हा टके टक टकायते। क्या मतलब है, टका ही धर्म है, टका मतलब रुपया पैसा सिक्का, सिक्का ही धर्म है, सिक्का ही कर्म है, सिक्का ही सुख है, परमं सुखम सबसे बड़ा सुख है, यस्य गेहे जिसके गेहे मतलब घर में टका न अस्ति धन नहीं है, जिसके घर में सिक्का नहीं है, वह क्या करता है, हाय टके हाय टके हाय टकटकाए थे, और टकटके के लिए टकटकी लगाया रहता है, आज हमको धन मिल जाएगा कल मिल जाएगा। तो यह एक श्लोक जो है किसी कवि ने सही ही कहा है। तो बच्चों यहाँ पर इसका पूरा मैंने आपको हिंदी इस पाठ की बताई, अब यहीं विराम लेना चाहता हूँ, ये प्रथम भाग है इस वीडियो का, अगला भाग जो होगा आपका वो ग्रामर और वर्ड्स मीनिंग के बारे में होगा, तो आप ही समझ ही गए होंगे। सर्वे गुणाः कांचनम् आश्रयन्ति, सभी गुण कांचन में होते आश्रित होते हैं, ये पाठ आपका मैंने आपको बताया, आपने सुना, आप इसको करें और इसकी हिंदी लिखें। धन्यवाद, मैं विराम लेता हूँ। ओके बाय।